ये इनकम टैक्स इन सबको डरा करके हमारे नौजवानों को, हमारे छोटे मंझोले भाइयों को डरा करके ये जेल में भरना चाहते हैं। भर दे, आज दुआ भी को जेल में भर दे। स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे रॉ हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। लेकिन आज सत्ता पक्ष इनको जेब में अपनी चीज रखती है, आज न्यायपालिका भी इनके जेब की चीज है, इनको बंद लिफाफे भेजे जाते हैं, इन पे दबाव दिया जाता है। ये शुक्र है कि हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ईमानदार है और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो आज ईडी इनकम टैक्स इन सबको डरा करके हमारे नौजवानों को, हमारे छोटे मंझोले भाइयों को डरा करके ये जेल में भरना चाहते हैं। भर दे, आज दुआ भी को जेल में भर दे, जो हो सकता है भर दे, आपकी आवाज जाएगी भर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है डीजी को, जैन साहब को जेल में फोन कर दिया, मैंने कहा रूम तैयार रखो, मुझे भी बुलाने वाला। तो इस तरह की आवाज, जो मौलिक अधिकार, जो अपनी आवाज को देना चाहता है, जो एक आजादी का आर्टिकल 19 और 21 का ये जो अवहेलना करते हैं, क्या ये संवैधानिक काम कर रहे हैं? हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर चुनाव का प्रचार नहीं करना चाहिए। देखिए जनता अब धीरे धीरे जाग गई है, सोई हुई अवस्था में थी, जागने लगी है। और हम मानसिक गुलामी चुकी 1500 सालों से हम गुलाम रहे, कभी राजाओं का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, अब अंग्रेजों के ही कुछ जो बच्चे खच्चे हैं उनके हम गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। उसे निकलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो उसके लिए हमारे जो मीडिया भाई हैं, हमारी सोशल मीडिया है, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो वकील हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, अब जाग गए हैं। और इसको हम लोग हर दिन प्रतिदिन भारत के तमाम हिस्सों में कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये आने वाले दिन में हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार 272 से नीचे हो। और हम आपके भोपाल से लगातार बात करते हैं, अभी आपने तो कहीं ना कहीं आज जो आपकी जयजयकार इनके श्रीमुख से सुना आपने, चेयर होंगी लेकिन 50 की 50 जब अधिकारों की होती है भरी नहीं गई है। अब भाजपा लोग अपने अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। वो जो भीड़ होती है खरीदे हुए होते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग अपने पैसे से, अपने सहारे से आए हैं, खरीदे हुए नहीं है। जितनी पार्टियों की जो होती है वहाँ पे लाखों लोग बसों में भर भर के करोड़ों जनता का टैक्स खर्च किया जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्रचार करते हैं उनमें 5-5, 10-10 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री को जाने में, विजिट करने में खर्च होता है, सारी सरकारी महकमा लग जाता है। और वहाँ पे जो है मीडिया जो करोड़ों रुपये खाती है वो लग जाती है, लेकिन आपकी, हमारे नौजवानों की जब आवाज होती है तो उसमें कोई साथ नहीं देता है। यही तो कमी है, इसी को दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और चूंकि भाजपा जो हराव किया गया है वो इसलिए है कि भाजपा सरकार में है, सरकार को हराएंगे तभी तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे। मेरे भाई, जन क्रांति करने के लिए एक होता है वो जो है, गांधी जी एक थे, जयप्रकाश एक थे, सुभाष चंद्र बोस एक थे, भगत सिंह एक थे, वहाँ लाखों नहीं था। हम नया नया भगत, नया सुभाष चंद्र बोस, नया गांधी, नया जो है जयप्रकाश बनाएंगे और भारत के अंदर एक नई क्रांति पैदा करेंगे। हराने की जरूरत क्यों पड़ गई आज भाजपा सत्ता में? तो जो सत्ता में है, जो दंगल में जीता हुआ है और वो कह रहा है कि मैं 1 लाख का जीबी देता हूँ, मैं खरगोश का बच्चा हूँ, मुझे भी 1 लाख चाहिए, तो मैं जीते हुए को तो हराऊंगा, इसलिए भाजपा को हराऊंगा। अगर आज कांग्रेस होती, आज अगर दूसरी पार्टी होती, हम उसको हराने की बात करते। जो जीता हुआ उसी को तो हराएंगे भाई। अरे बेटे, कौन सा विकास है, कौन सा विकास, काहे को विकास? हम बताना चाहते हैं आपको, सोशल मीडिया यहाँ पे फैलोज क्यों हुआ, आपके बोलने की अभिव्यक्ति क्यों छीना गया, आपको मुद्रा योजना में क्या 10 लाख रुपया मिला, क्या आपके नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिला, क्या आपको स्वास्थ्य में बेनिफिट मिलता है, क्या आपको शिक्षा में आपको मिलता है? आप दिन रात पढ़ के 24 साल दिन रात पढ़ के IAS करते हैं, लगातार काम करते हैं, और वो
डायरेक्ट एक आईएएस ऑफिसर अपॉइंट कर देता है, ये कौन सा कहानी? मैंने बोला था आप पढ़ करके आईएएस बनते हैं और वो डायरेक्ट आईएएस बना देता है, वो डायरेक्ट एक वकील को जज बना देता है। कौन सा विकास? रोड जो उस पर अपनी उनकी गाड़ियाँ चलेगी, जो हेलीकॉप्टर बनेगा, जो बिस्तर बनेगा, जो बैठेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर से जो बढ़ गया, जो वो जो है मैंने कहा सरकार अच्छी, जो कह रहे हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं देश का सेवक हूँ, सेवक का काम क्या होता है? सेवा करना। और जो राजा कौन है? किसका सेवा करोगे? पब्लिक का करोगे, जनता का करोगे? और जनता का शोषण दोहन कर रहे हो, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, उसकी कहानियां नहीं सुन रहे, सही करें आप, सही करें, मैं आपको समझता हूँ। लेकिन जो जनता राजा है, आप उसका अधिकार छीन रहे हो और आप मौज मस्ती कर रहे हो, हमसे 100 रुपए ले रहे हो और 10 रुपए दे के कह रहे हो मैं विकास कर रहा हूँ। हमने लीडर हमारा हर एक लीडर हमारा हर नौजवान है, लीडर हमारा बुद्धिजीवी है, लीडर सबको बनना होगा। हम तो एक निमित्त उसका संचालन करके हमने शुरुआत की है, साथ सबको चलना होगा और इसके लिए हम लोग एक वीडियो वायरल हो गया है 2024 का चुनाव लास्ट चुनाव होगा, ऐसे नहीं पार्टियां बहुत सारी बननी है। यही तो कह रहे हैं, यही तो कहा कि लोकतंत्र को राजतंत्र में, ये जो चौथा मांग है हमारा कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना, आखिरी होगा यानी क्या हम राजा हो गए और प्रजा जो भाड़ में, हम ईवीएम से कुछ भी करेंगे, हम पब्लिक कौन? तो ये जो राज लोकतंत्र है जिसके लिए हमारे लोगों ने, हमारे सारा स्वतंत्र सेना ने अपनी खून बहाया, आजादी के लिए लड़ा, आप उसका अमृत महोत्सव मना रहे हो, आप 99 साल के लीज पे हो, देश हमारा गुलाम है, मानसिक गुलाम है और आप अमृत महोत्सव मना रहे हो, आप खुशियां मना रहे हो, हमें रोटी नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिला। संदेश देना चाहेंगे लास्ट, देश का यह है कि जनता जाग रही है, जनता जाग गई है, सबका खाएगी और सबको बजाएगी, और इन नेताओं को हमें नेता नहीं चाहिए, हमें जन प्रतिनिधि चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है। धन्यवाद।